जंग में गोजरा रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, हादसे में रमजान नामी शहरी जान बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम और पेट्रोलिंग पुलिस बंगला नौल वाली मौका पर पहुंच गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेवन शरीफ के नवाही गांव शेर खान सोलंगी में अफसोसनाक वाकया। सोलंगी बरादरी के एक ही खानदान की चार बच्चियां नहर में डूबकर जान बहक। अफसोसनाक वाकये पर इलाके की फिजा सोगवार। मांगा मंडी रायवन रोड पर ट्रैफिक हादसा, मजदा ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक, एक जख्मी हो गया। हादसे के बाद मजदा ट्रक उलट गया, ड्राइवर मजदा छोड़कर फरार। कसूर में थाना बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, राहसनी की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम रशीद उर्फ शीदू साथी समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से मसरूका नकदी और 1,00,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद। और पिशावर में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत जिली महकमों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें इंतजामी अफसरान और पिशावर के जिली महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनो न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं, सेवन शरीफ शहर और गर्दनवा में बिजली की गैरएलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सेवन शहर में बिजली की लोड शेडिंग 14 घंटे जबकि देहात में लोड शेडिंग 16 घंटे तक पहुंच गई है। बिजली की गैरएलानिया बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की बंदिश के बायस बच्चे, बूढ़े, मरीज और कारोबारी हजरात सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। लोड शेडिंग से ताजर शदीद परेशान हैं। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस शहरी सुकून की नींद भी नहीं सो सकते। बहावलपुर में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि हर घंटे के बाद 2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है, जिससे बच्चे, बूढ़े, खवातीन और कारोबारी हजरात शदीद परेशान हैं। शहरियों की रात की नींद भी हराम हो चुकी है। बिजली की लोड शेडिंग से शहर में पानी की फराहमी भी मुतासर हो रही है। दीगर शहरों की तरह सादकाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। का गर्मी से बुरा हाल है, कारोबार ठप हो गए। सादकाबाद में बिजली की गैरएलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान हैं। सादकाबाद शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से लोग पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। नौशहरा में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे माजिद खटक से। माजिद, क्या हालात हैं लोड शेडिंग के? जी, गर्मी की शिदत में इजाफे के साथ ही नौशहरा में गैर एलानी जबरी लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग से शहरियों की शदीद मुश्किलात और परेशानी में भी इजाफा हो गया। शदीद गर्मी में दिन रात के मुख्तलिफ अवकात में बार बार गर्मी की शिदत में इजाफे के साथ ही नौशहरा में गैर एलानी जबरी लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग से शहरियों की शदीद मुश्किलात और परेशानी में भी इजाफा हो गया। शदीद गर्मी में दिन रात के मुख्तलिफ अवकात में बार बार ट्रिपिंग और बिजली की तवील बंदिश से बच्चे, बीमार, बुजुर्ग को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर दस मिनट बाद 2 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। जबकि दूसरी जानब महकमा वाबे ने जबरी लोड शेडिंग के नाम पर शहरियों का जीना हराम कर दिया। गैर एलानिया जबरी लोड शेडिंग से ना सिर्फ मुश्किलात का सामना है बल्कि कारोबार भी मफलूज के रह गया है। जबकि दूसरी जानब कम वोल्टेज
और बार बार ट्रिपिंग से घरों और मसाजों में पानी की शदीद किल्लत है। गरीबों का खिरफा और खिदमत के दावेदार हुकूमत आते ही गरीब शहरियों पर लोड शेडिंग की क्यामत डाली है, जबकि दूसरी जानब आए रोज़ 3 मिनट इजाफा तो किया जाता है मगर 24 घंटों में 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पर बिजली का जो टाइम है उसके एडजस्टमेंट करने के लिए महकमे वापडा को मजबूर किया जाए ताकि शहरी मुश्किल से बच सके। छांगा मांगा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि चूनिया शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे की जा रही है। शहर के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स भी खराब हैं। बिजली ना होने की वजह से मसाजिद और घरों में पानी तक खत्म हो चुका है। बहावलपुर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से आवाम परेशान हैं, कारोबार मुतासर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीला जान लेते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। भावलपुर में गर्मी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया तो वापडा वालों ने भी शहरियों का जीना हराम कर दिया है। आधा घंटा लाइट आते हैं, दो तीन घंटे के बाद लाइट आते हैं। लोड शेडिंग का दुरानिया 10 से 12 घंटे का हो गया है। मस्जिदों में वजू के लिए पानी नायाब हो गया है, एक महंगाई, दूसरा लाइट ना होने की वजह से लोगों के कारोबार बंद हो गया है। सबका वजीर आजम शायद खान अब्बासी ने कहा था तो 2 घंटे लोड शेडिंग हुआ करेगी, अब तो आवाम का जीना जीरन हो गया है। भावलपुर के शहरों ने वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। आपको पता है कि भावलपुर एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है और हर घंटे के बाद डेढ़ घंटा जो है ना लोड शेडिंग हो रही है, तो कम से कम हम बाहर नहीं निकल सकते, कहीं काम करते हैं तो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि अभी हम काम को शुरू करते हैं तो इतने में पता चलता है फिर लाइट चली गई है, तो यहाँ हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और फिर बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको कम से कम देखें कि वो इतना मकसद ज़्यादा बिल हम भरें, काम है नहीं, बिल कहाँ से भरें। तो अगर हमें हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती, कम से कम बिजली तो पूरी करे ताकि हम कुछ कमा के वो बिल भी भर सकें और अपना घर का निज़ाम भी चला सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे जो मुल्क की सबसे बड़ी वो बदकिस्मती ये है कि ये जो हुक्मरान आए हैं हमारे मुल्क पे मुसल्लक हुए, तो इन्होंने आके ही इश्यूज़ ये बनाए हैं लोड शेडिंग वाले। आज से 3 साल पहले तो लोड शेडिंग नहीं थी, जो पिछली हुकूमत थी उसमें कोई लोड शेडिंग नहीं थी। फजल जावेद खान की रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में रहनुमा मुस्लिम लीग नून इखलाक हाशमी ने वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर से अपील की है कि बिजली का निज़ाम 4 कंपनियों के हवाले किया जाए। मजदूर तबका बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। तफसीलात जान लेते हैं अरशद महमूद की इस रिपोर्ट में। बहरान जो हमारे मुल्क में आया हुआ लोड शेडिंग का, मैं सबसे पहले कराची की बात करूंगा कि कराची वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी या किसी और की भी हुकूमत थी तो के इलेक्ट्रिक एक बदमाश कंपनी है जो लोगों से पैसे दोनों हाथों से लूट रही है और बेइंतहा बिल भेज रही है, बिल वसूल करती है और लोड शेडिंग करती है अपने मनमाने तरीके से। और एक इसने कई और नए तरीके का इख्तियार कर लिया है कि जहाँ 4-4 घंटे जब लोड शेडिंग होती है, यानी कि उन इलाकों में जहाँ 100% जो है ना बिल अदा किए जा रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि मेंटेनेंस हो रहा है। तो मैंने पहले भी अपनी हुकूमत से कहा था और आज फिर मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को ख़ास तौर पे कहूँगा जो पावर के वजीर है हमारे, कि भाई कराची में आपका पाकिस्तान का एक एक फर्द रहता है, हर कौम यहाँ पर आबाद है और सबसे बड़ी जो एक यहाँ पर लेबर की आबादी है यहाँ पर, मुझे ये बताया कि आप तसव्वुर करें कि 80 गज और 60 गज के घर में जो शख्स रहता है अपने बच्चों के साथ, जब रात को उसकी बिजली जाती है, दोपहर को बिजली जाती है, ये सख्त जो है ना धूप के अंदर, सख्त गर्मी के अंदर उनका क्या हाल होता होगा जो है ना, और जो सिर्फ फिर जो है ना अल्लाह ताला के सामने फिर जो है ना हाथ उठाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि कराची को कम से कम 4 कंपनीज के हवाले किया जाए, 4 कंपनीज को कराची आप दे दें, आपका कराची का लोड शेडिंग का मामला हल हो जाएगा। और जहाँ तक मैंने पहले भी जिक्र किया था कि तमाम उसमें PSP हो, उसमें जमात इस्लामी हो, उसके अंदर कोई भी PTI हो या कोई भी पार्टी है, सब ने ये
के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़े बड़े मुजाहरे किए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हरकोल प्रोडक्शन के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, तफ़सीलात अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत हरकोल की प्रोडक्शन पर इजलास, इजलास में वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख, मुशीर कानून मुर्ज़ा वाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत, पर्सनल सेक्रेटरी फयाज जतोई, सेक्रेटरी तवानाई अबू बकर, सिंध एग्रो कोल माइन कंपनी SACAMC के अहसन जफर, सईद आमिर इकबाल दिगर शरीक। वजीर तवाना इम्तियाज़ शेख की वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग, अब तक 11 मिलियन टन कोयला निकाला गया है। 11 मेट्रिक टन कोयले से 10.5 KWH बिजली नेशनल ग्रेड में थर से दी है। इस हिसाब से हर साल थर कोल से बिजली की पैदावार से मुल्क के $700 मिलियन की बचत हुई है। थर कोल प्रोजेक्ट से मिलने वाली कम्युनिटी फंड से 4,000 बच्चों को 24 स्कूलों में तालीम दे रहे हैं। 25,000 मरीजों को सालाना इलाज मुहैया किया जा रहा है। पूरे इलाके को साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। इलाके में 1 मिलियन दरख्त लगाए गए हैं जिससे थर का माहौल बेहतर हुआ है। अब थर कोल की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं, वज़ीर आला सिंध की महकमा तवानाई को हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज अब नई रेलवे लाइन बिछाने जा रही है। इस रेलवे लाइन से पूरे मुल्क में कोयले पर चलने वाले प्लांट्स को थर का कोयला मुहैया किया जाएगा। कोयले की पैदावार बढ़ाने के लिए SACAMC इकदाम। संजरपुर में अशिया खुरानोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। घी और ऑयल की कीमतों के बाद दालों की कीमतों में भी इजाफा, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ गरीब आवाम पर सितम ढाने लगी हैं। दाल माश, दाल चना और सफ़ेद चने की कीमतों में होशुबा इजाफा कर दिया गया। कीमतें बढ़ने की वजह से मतवसत तबका शदीद परेशानी के आलम में दिखाई दे रहा है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि अशिया खुरानोश की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। ईद उल अज़हा की आमद आमद है और इलाहाबाद के मेन बाज़ार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। दुकानदार भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद सामल से। अरशद, अपडेट कीजिएगा। आज शुक्रिया, मैं शुक्र मौजूद हूँ इलाहाबाद की मेन मार्केट में। ईद कुर्बान की आमद आमद है और इलाहाबाद की मेन मार्केट वीरानी का मंजर पेश कर रही है। इसी वाले से हमारे साथ ताजर मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। एक तो लोड शेडिंग जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है, घंटों घंटों लाइट जो नहीं आ रही, और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का। इस टाइम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से, बिजली की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से जो है ना मार्केट में रश नहीं है। वो भी ख़ास तौर पर इन दिनों में ईद की जैसे आमद आमद है तो मार्केट में रश ख़त्म नहीं होता, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि ग्राहक ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तो मेरी एक उमते वक्त से जो अपील है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नज़रसानी करें और जब आवाम को रिलीफ फ्राहम करें। अजी, जैसे कि आपने ताजर की बात सुनी, ताजर का कहना है कि महंगाई की वजह से लोग मार्केट का रुख नहीं कर रहे, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। जंबर में निजी फैक्ट्री मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे तैयब जोया से। तैयब, क्या मुतालबात हैं इन मुजाहरीन के? अजी बिल्कुल, मैं इस वक्त जंबर मेन मुल्तान रोड पर वाकया बैटमन फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूं, जहां के हज़ारों की तादाद में कारकुनान जो वर्कर्स यहां पर काम करने थे वो अपना काम का छोड़ कर जो है वो सड़कों पर निकल आए। उनके ये मुतालबात हैं कि उन्हें बोनस नहीं मिल रहा और पुलिस से जो है वो ब्लैकमेल करवाया जा रहा है फैक्ट्री अमले की जानिब से। इसी हवाले से गुफ्तगु कर लेते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं वर्कर्स भी कुछ मौजूद हैं, उनके मुतालबात क्या हैं वो यही जानते हैं। बरदर, आपके क्या मुतालबात है, क्यों सराफा एहतजाज? भाई, हमने ना इनसे बात की थी पहले कि हमें बोनस चाहिए, इन्होंने हमें मुजाकरात किए, हमारे जो आगे किए हुए थे जो लड़के उन्होंने मुजाकरात किए, उन्होंने 3 बार इन्हें से टाइम लिया। इन्होंने बार बार कहा कि देंगे देंगे, 4 दिन सब्र करो, 5 दिन सब्र करो, ऐसे करो। अब उस दिन भी ना की, अब भी ना कर रहे हैं। अंदर जाके देख लो, साफ पानी पीने के लिए नहीं है, खाने की अब इन्होंने जगह बनाई है, जलील करके खाना देते हैं ये लोग। ये इधर सबका हक है, वर्क सब लाजमी है, सब गरीब आदमी है। इन्हों को ये नहीं है, 8-8 साल हो गए, 12-12 साल हो गए हैं इधर, परमानेंट नहीं किए। आवाम को इकट्ठे करते हैं तो ऐसे करते हैं बैटवन का नारा लगाओ, तो सब अंदर झूठ है, ठीक है ना। जो हक पे आवाज उठाएगा ना, उसे पकड़कर फैक्ट्री से फौरन बाहर निकाल देते हैं। जो भी लड़का होगा, जो भी कोई कहेगा ना हमें ये चाहिए, बोनस चाहिए, या परमानेंट करो, या हमें कोई सहूलत, या 5% या कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह या कुछ भी दो, वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं। वर्कर्स जो है उनकी तादाद कितनी है? कम से कम इधर ना एक शिफ्ट में 500 बंदा होता है, कम से कम 800-900 या 1000 बंदा होगा, या 1200। 400 इधर टेलर हैं, बकाया सब मुलाजमीन हैं, सब गरीब आदमी हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएं?
جی بالکل آپ کے آپ نے فیکٹری ملازمین کی گفتگو سنی, انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے تو فیکٹری عملہ جو ہے وہ مالکان کی جانب سے انہیں پرماننٹ نہیں کیا جا رہا. 12 سال سے یہ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں, محنت مزدوری کر رہے ہیں, لیکن انہیں جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں انہیں جو ہے فیکٹری سے نکال دیا جاتا ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے, ان کو عید القربان بھی سر پر آ چکی ہے, انہیں جو ہے ان کے حق جو ہیں. بلدیاتی الیکشن میں شہداد کوٹ کی تحصیل قبوس سعید خان کی معروف شخصیت میر امتیاز بروہی آزاد امیدوار کی حیثیت سے تیسری مرتبہ منتخب, کامیابی دلانے پر اپنی برادری اور عوام کا شکریہ ادا کیا. تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے عبدالحمید بٹی سے. عبدالحمید بٹی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی ناظرین, بالکل, میں اس وقت ٹاؤن کمیٹی قبو سعید خان وارڈ نمبر 5 کے آزاد امیدوار میر امتیاز بروہی کے ہاؤس پہ موجود ہیں. وہ بلدیاتی الیکشن بھاری اکثریت سے جیت کر آئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں بہت مشکور ہوں اپنے وارڈ کے عوام کا جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر کامیاب کیا, بالخصوص میں اپنے ایم پی اے نواب زادہ میر نادر علی خان مکسی صاحب کا مشکور ہوں, جس نے میری بہت حمایت کی اور اس نے واضح پیغام دیا تھا کہ بھائی یہ جو الیکشن ہیں بلدیاتی یہ پارٹی تھے مگر یہ برادری کی الیکشن تھی اور عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور ہمیں کامیاب کیا ہے. مجھے میں عوام کا بہت مشکور ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ اپنی خدمات جو دیتے آ رہے ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے اور عوام کے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ شانہ بشانہ اپنے وارڈ کی عوام اور بالخصوص قبو سعید خان کی عوام کے ہم ساتھ رہیں گے. ناظرین, میر امتیاز خان بروہی کی آپ نے باتیں سنی, ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی عوام کی اکثریت سے ہم منتخب ہوئے اور وہی نتیجہ ہے کہ عوام نے دیکھا کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو. احمد پور شرکیہ بار کے وکلا نے احمد پور ضلع بناؤ کی تحریک کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے. وکلا نے احمد پور ضلع بناؤ تحریک پر ہر فورم پر چلانے کا اعلان کر دیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں عامر باسی کی اس رپورٹ میں. احمد پور شرکیہ بار کے وکلا احمد پور ضلع بناؤ کی تحریک کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی. بار کے وکلا احمد پور ضلع بناؤ تحریک ہر فورم پر چلانے کا اعلان کر دیا. جنرل سیکرٹری بار ملک طاہر منظور خان نے کوہ نور نیوز کی ٹیم کو بتاتے ہوئے کہا, پنجاب حکومت تحصیل لیاقت پور کو ضلع بنانا چاہتی ہے اور ہماری تحصیل کو اس میں شامل کرنا چاہتی ہے جس سے ہمارے مسائل مزید بڑھ جائیں گے. یہ قرارداد ماہر قانون دان سابق صدر بار ماہر مشتاق احمد خان نے پیش کی تھی. مزید کہا کہ بار کے وکلا نے احمد پور ضلع بناؤ کے لیے میدان میں آگے ہیں اور اپنا حق لے کر رہیں گے, جس میں شدید نعرے لگائے گئے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. پتوں کی ریلٹی سٹورز عوام کے لیے عذاب بن گیا. خواتین, بچے, بوڑھے دو دو گھنٹے لائنوں میں زلیل و خوار ہونے لگے. یوٹیلٹی سٹور سے سامان خریدنے کے لیے ایک خاتون گرمی میں زیادہ دیر لائن میں کھڑی ہو کر بے ہوش ہو گئی, جس کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر کوئی انتظامات نہیں ہیں, گھنٹوں لائنوں میں کھڑا ہو کر خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑتا ہے, اعلیٰ حکام نوٹس لیں. اور یہاں آپ کو بتائیں گے لاہور میں شہری پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر تھانے کے ایس ایچ او صفدر سجاد کو گرفتار کر لیا گیا. ترجمان پولیس کے مطابق ایس ایچ او ہربنس پورا پر قبضہ گروپ کی سرپرستی کا بھی الزام ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں, یہ ایس ایچ او ہربنس پورا صفدر سجاد نے شہری پر جھوٹا مقدمہ درج کیا تھا. وسیم صابر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور میں شہری پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر تھانے کے ایس ایچ او صفدر سجاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ترجمان پولیس کے مطابق ایس ایچ او ہربنس پورا پر قبضہ گروپ کی سرپرستی کا بھی الزام ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور میں شہری پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر تھانے کے ایس ایچ او صفدر سجاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ترجمان پولیس کے مطابق ایس ایچ او ہربنس پورا پر قبضہ گروپ کی سرپرستی کا بھی الزام ہے.
वसीम साबर से हमारा रابطہ एक बार फिर से बहाल हुआ है। वसीम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एसएचओ हरबंसपुरा ने शहरी पर जो है वो मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 1500 ग्राम से जायद मंशियात जो है वो हमायूं दीन के ऊपर जो है वो डाली गई थी। तहाल जिस पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने इंक्वायरी की और उसमें जो है वो एसएचओ गिल्टी साबित हुआ और वाजे हो गया कि प्राप्ति के तनाजे पर जो है वो एसएचओ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 17 लाख रुपए रिश्वत ली और शहरी पर जो है वो झूठा मंशियात का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसको जो है वो बाकायदा तौर पर डीएजी ऑपरेशन की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। और वही जो मंशियात शहरी पर डाली गई थी उसी मुकदमे में जो है वो एसएचओ हरबंसपुरा को गिरफ्तार करके जो है वो रिमांड के लिए जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया है। वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वासा हेड ऑफिस में रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। एमडी वासा गफरान अहमद ने रिटायर होने वाले 35 मुलाजमीन में चेक तकसीम किए। बरवक्त अदायगी पर एमडी वासा गफरान अहमद ने डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। आपको बता रहे हैं वासा हेड ऑफिस में रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। एमडी वासा गफरान अहमद ने रिटायर्ड होने वाले 35 मुलाजमीन में चेक तकसीम किए। हर वक्त बरवक्त अदायगी पर एमडी वासा गफरान अहमद ने डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा है। आपको बता रहे हैं कि वासा हेड ऑफिस में रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। एमडी वासा गफरान अहमद ने रिटायर्ड होने वाले 35 मुलाजमीन में चेक तकसीम किए। बरवक्त अदायगी पर एमडी वासा गफरान अहमद ने डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा है। आपको एक बार फिर से बताएं, वासा हेड ऑफिस में रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया है। एमडी वासा गफरान अहमद ने रिटायर्ड होने वाले 35 मुलाजमीन में चेक तकसीम किए हैं। बरवक्त अदायगी पर एमडी वासा गफरान अहमद ने डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा है। तफसील लेते हैं कामरान अली से। कामरान, क्या अपडेट हैं आपके पास? ये वासा लाहौर के रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में वासा हेड ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। एमडी वासा गफरान अहमद ने रिटायर्ड होने वाले 35 मुलाजमीन में चेक तकसीम किए। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन में हेड पाइप अब्दुल रशीद, पाइप फिटर इफ्तिखार मसीह, सीनियर क्लर्क वसीम अहमद, ड्राइवर मोहम्मद आसिफ, असिस्टेंट सुपरवाइजर मुबारक मसीह, सेंट्री वर्कर्स और रहमत मसीह शामिल हैं। एमडी वासा गफरान अहमद का कहना है कि रिटायर्ड होने वाले वासा मुलाजमीन ने एक लंबे अरसे तक अदायगी खिदमत की, इनकी खिदमात काबिले तहसीन है। वासा लाहौर के मुलाजमीन की बरवक्त रिटायरमेंट चेक की तैयारियों पर एमडी वासा ने डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान और डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन वसीम अहमद, मोहम्मद सदीक, असिस्टेंट डायरेक्टर मोइन शाह, चौधरी अरशद, इश्फाक शाह, PS2 एमडी वासा और सॉरी फरत अब्बास समेत दीगर अफसरान जो थे वो शरीक थे। जी कैमरा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने सरकारी मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहां से नहीं जाएंगे। डीजी लोकल गवर्नमेंट कोसर और डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा से कामयाब मुजाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इनके मुतालबात डीजी लोकल गवर्नमेंट ने और मैंने सुने हैं और उनमें से काफ़ी चीज़ों में जो वेटेज है, इम्पोर्टेंस है, इनका मुतालबा है कि यूनियन काउंसिल के फ़ंड के बजाय इन्हें सूबाई गवर्नमेंट के फ़ंड से अकाउंट ऑफिस से तनख्वाह दी जाए। तो ये लोकल गवर्नमेंट और फाइनेंस के दरमियान मामला है, इंशाल्लाह इनकी जो ख्वाहिशात हैं और इनके जो डिमांड्स जायज़ हैं उसके मुताबिक हम जल्द फैसला लेके इनका मसला हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये हमारी कामयाबी है और इंशाल्लाह अगर आइंदा भी ज़रूरत पड़ी तो हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और हर सूरत लड़ेंगे। और एक बार फिर मैं जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब का मशकूर हूँ, मैडम कौसर साहबा का मशकूर हूँ और अपनी जो टीम है, अपनी जो हमारी मुज़ाकराती टीम उसका भी मशकूर हूँ। उन्होंने अपना मौक़िफ बेहतरीन अंदाज में पेश किया और एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज का धरना अपना बेहतरीन नतायज के साथ हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा काम हो गया है। कोई नूर वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसी तौर पर उन्होंने हमारे धरने को। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी पेशावर के वफ़ की लाहौर आबपाक अथॉरिटी हेड ऑफिस आमद।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सीईओ पिशावर वाटर हसन नासर ने दीगर अफसरान के साथ शिरकत की। आप पाक अथॉरिटी के मनसूबों पर शुरका को तफसीली प्रेजेंटेशन पेश की गई। आप पाक अथॉरिटी पिशावर वाटर सर्विसेज कंपनी के साथ तकनीकी इश्तराक करेगा। पंजाब के दही इलाकों में महफूज और सेहतमंद पानी के जदीद तरसीली निजाम मुतारफ किए जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन में आप पाक अथॉरिटी के तमाम मनसूबों पर रोशनी डाली गई। हसन नासिर ने कहा आप पाक अथॉरिटी की इंतहाई तजर्बा का टीम से फायदा हासिल करेंगे। इस मौके पर आप पाक अथॉरिटी से डीजी ओएनएम असलम खान यादी, डीजी प्रोजेक्ट्स मामून रियाद और दीगर इलेक्शन कमीशन की पीपीए 158 लाहौर के जिमनी इंतखाबात में वोट खरीदने की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर ने वीडियो पर फौरी एक्शन ले लिया। पीपीए 158 लाहौर से नून लीग के उम्मीदवार को जवाबदेही का नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अली इमरान चट्ठा से। अली इमरान, वीडियो सामने आई है, क्या एक्शन लिया गया है? जी, रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर में आज जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर बाकायदा तौर पर 358 जहाँ से अलीम खान साबिक सीनियर मिनिस्टर गुजरात सरकार जो थे वो जीते थे और उनके मुस्लिम लीग नून की हमायत के बाद सीट खाली होने पर रहा शराफत हुसैन उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। इनकी एक कार्यखास से ये वीडियो सामने आई है, उस पर नोटिस जारी किया है और जवाब तरजीह की है। हमारे जरा ने कंफर्म किया है कि ये वीडियो जो है ये शादमान के एक दवाही इलाका की है, एक बस्ती की है जहाँ पे वोटों की खरीदारी के सिलसिले में ये बातचीत जारी है। अगर आप वीडियो का बाकायदा तौर पर अली इमरान चट्ठा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दुबई में रंगारंग बोलान गल्फ कल्चरल अवार्ड शो का इनेकाद पाकिस्तानी शोबी से वाबस्ता शख्सियात समेत सहाफियों को अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी फिल्मी सितारों और गुलकारों के अलावा दूसरे ममालिक से आने वाले फनकारों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। तफसीलात उमर जट की इस रिपोर्ट में। अरब अमारात दुबई में सजा 16वां रंगारंग कल्चर बोलान गल्फ अवार्ड शो पाकिस्तानी शोबे से वाबस्ता शख्सियात समेत सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अदील बरकी ने शो की मेजबानी की और पाकिस्तानी गुलकारों ने आवाज का ऐसा जादू जगाया कि शर्का दाद दिए बगैर ना रह सके। मुतहिदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस टाइकोन और कल्चर एम्बेसडर शेख डॉक्टर वो अब्दुल्ला ने खसूसी शिरकत की। पाक अरब अमारात के दरमियान सकाफती और मुआशी तल्लुकात और 16 बरस से दुबई जबकि 41 सालों से पाकिस्तान में बोलान अवार्ड के इनेकाद को सराखा। तकरीब में परफॉर्म करने वाले सिंगर मुश्ताक चन्ना, गुलाब अली, अदील बरकी, खालिद खान, कवाल, अजमा नूर ने तकरीब को चार चांद लगा दिए शॉट। इसके अलावा दीगर ममालिक से भी गुलकारों ने शिरकत की। पाकिस्तानी गुलकार, फनकार और फिल्मी सितारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पहली बार सहाफियों और मीडिया में नुमाया काम करने वालों को भी इज्जत अफजाई की गई। लाहौर से जाने वाले इकबाल चौधरी और मरवा अंसर चौधरी को भी सहाफती जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से सर अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान की मरूफ फैशन डिजाइनर बीजी निजमा गुलूकार खालिद खान को भी नवाजा गया। सिंगर गुलाब ने सराइकी अंदाज में अपना गाना गिल्ला किसनु करिए शक जिससे पाया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे डीजीएलडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जिसकी निगरानी डेप्टी डायरेक्टर अली अब्बास और राणा शोएब ने की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजीएलडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है जिसकी निगरानी डेप्टी डायरेक्टर अली अब्बास और राणा शोएब ने की है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ शहबाज काजमी से। शहबाज, किन किन इलाकों में ऑपरेशन किया गया है ये? अजी बिल्कुल, डीजीएलडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर जून 7 ने गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन की निगरानी दबंग डिप्टी डायरेक्टर अली अब्बास और असिस्टेंट डायरेक्टर राणा शेख ने की है। ऑपरेशन फिरोजपुर रोड, कच्चा जे रोड और एलडीए सिटी रोड पर किया गया है, जिनकी तफसील ये है कि कच्चा जे रोड पर गैर कानूनी दुकानों को मसमाल कर दिया गया है।
एक अदर फैक्ट्री रोही नाले के करीब सील भी की गई है। फिरोजपुर रोड पर यौनाबाद के करीब गैरकानूनी तमीरात को मतमाल कर दिया गया है और एलडीए सिटी रोड पर गैरकानूनी फिलर्स को मतमाल कर दिया गया है। मैं बताता चलूँ की एलडीए सिटी रोड पर एलडीए प्राण को शदीद मजम्मत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन एलडीए नौजवानों ने किसी चीज की परवाह ना करते हुए तमीरात को मतमाल कर दिया गया। चीफ टाउन प्लानर शकील रंजन महनाज का कहना है की एलडीए के एरिया में किसी किस्म की गैरकानूनी तमीरात कारगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी के लिए हो। जी शहबाज काजमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। श्रीलंका की स्वाति टीम का मौजूदा हालात में पाकिस्तान आना काबिले तहसीन है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब असदुल्ला फैज का कहना था कि श्रीलंका ने हमेशा स्पोर्ट्स में पाकिस्तान से तावन किया, ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। श्रीलंका की स्वाति की टीम को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई, चैंपियनशिप में अच्छे मुकाबले होंगे। तीसरी पाक श्रीलंका इंटरनेशनल स्वाति किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉयज़ और गर्ल्स के 13 मुकाबले होंगे। चूनिया के नवाही गांव हरचौकी में मोटरसाइकिल मैकेनिक मुनीर अहमद को नामालूम मुलजमान ने अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मकतूल को वरगलाकर रिक्शा के साथ हरचौकी लाए, कत्ल किया और सफाकियत से लाश पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मांगा मंडी रायवन रोड पर ट्रैफिक हादसा, मजदा ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जहां भाग के एक जख्मी हो गया। हादसे के बाद मजदा ट्रक उलट गया, जिसके नतीजे में मजदा ट्रक में मौजूद एक शख्स भी जख्मी हो गया। ड्राइवर मजदा छोड़कर मौका से फरार हो गया। सरगोधा में थाना बागटावाला पुलिस की कार्रवाई, डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 95 लाख रुपए और असलहा बरामद। डीपीओ सरगोधा की खसूसी हिदायत पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से मजीद तहकीकात जारी है। सरगोधा थाना अर्बन एरिया के हदूद जौहर कॉलोनी में घर से फंदा लगी बच्चे की लाश बरामद हुई है। बच्चे की शनाख्त 12 साल मोहम्मद रहमान के नाम से हुई है। बच्चे के अहले खाना का कहना है कि वो बाजार से सौदा सलफ लेकर वापस आए तो बच्चे की लाश चारपाई के साथ लटकी मिली। पुलिस ने लाश को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्चे के वालिद का कहना है कि इसके बेटे को सफाकियत से कत्ल किया गया, इंसाफ दिलवाया जाए। जंग में गोजरा रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में रमजान नामी शहरी जानभक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम और पेट्रोलिंग पुलिस बंगला नौल वाली मौका पर पहुंच गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेवन शरीफ के नवाही गांव शेर खान सोलंगी में अफसोसनाक वाकया। सोलंगी बरादरी के एक ही खानदान की 4 बच्चियां नहर में डूबकर जानभक। जानभक होने वाली बच्चियों में 10 साल आसमा, 10 साल अम्बी, 12 साल गुलनाज और 8 साल महनाज शामिल हैं। अफसोसनाक वाकये पर इलाके की फिजा सोगवार है। रावलपिंडी में सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी की खसूसी हिदायत पर चौंतरा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मुतादिद मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं हैदर अली की इस रिपोर्ट में। सर्च ऑपरेशन एसपी सदर अहमद जुनैद चीमा, एसडीपीओ सदर काजम निकवी की सरबराही में किया गया। सर्च ऑपरेशन चक्री और चौंतरा के इलाके बगरा मजाहत तंगाल से सिंगराल सियाल छछारामा और राजर में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 44 मुलजमान गिरफ्तार, भारी मकदार में असला और गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुलजिम से 20 क्लाशनकोफ, 1 LMG, 12 बोर, 2 राइफल 3 M4 और 2 पिस्तौल, 30 बोर और भारी मकदार में गोलियां बरामद। मुलजमान के खिलाफ थाना चक्री और चौंतरा में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी की, एससीपीओ अहमद जुनैद चीमा, एसडीपीओ सदर काजम निकवी और पुलिस टीमों को शाबाश। असला और जा माफिया के खिलाफ मौसर करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूरमे थाना बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। राहजानी की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम रशीद उर्फ शेदो साथी समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से मसरूका नकदी, 1 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल छीनने और राजधानी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया। डीपीओ कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ ने थाना बी डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके महमूदाबाद से स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतअद्दद वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजमान मुदस्सर यूनस और मोहम्मद शाकिर को गिरफ्तार कर लिया।
मुल्ज़िमान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल होने वाला एक अदद 30 बोर पिस्टल और एक अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। मुल्ज़िमान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 60 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ किया। मुल्ज़िमान ने जून 2022 में डिफेंस फेज 1 में डकैती के वारदात का भी एतराफ किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को बिना बरामद शुदा असला और मोटरसाइकिल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए। हैदराबाद में सीआईए पुलिस की कार्रवाई, बैनल सूबाई असलहा डीलर हुमायूं पठान को गिरफ्तार कर लिया गया, मुलजिम से असलहा भी बरामद। मुलजिम का ताल्लुक मुनज़िम बैनल सूबाई असलहा डीलर गैंग से है, जो पेशावर से सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में गैरकानूनी तौर पर नाजायज़ असलहा सप्लाई करते हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना हटरी में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कसूर थाना थे शेखम का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, बदनाम जमाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया, मजीद तफ्तीश जारी है। मनशियात फरोश नाजिम अली के कब्जा से चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चारसद्दा में सिविल डिफेंस ऑफिसर की हिदायत पर बशीर खान और मुनीर खान ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया, मजीद जानते हैं इकरामुल्ला सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की जिला चरसद्दा में सिविल डिफेंस चरसद्दा डायरेक्टर सिविल डिफेंस खैबर पख्तूनख्वा की अहकाम की रोशनी में सिविल डिफेंस ऑफिसर की हिदायत पर बशीर खान एंड मुनीर खान ने आज तखबे रोड, कुलाडेर रोड, रजड़ रोड में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप, सी एन जी पंप, होटल्स एंड फ्लूड मिल्स का दौरा किया। दौरे में आग बजाने वाले आलात के हवाले से मुलाजिमीन को पास्ट एंड से आगाह किया और आग बजाने वाले आलात ना होने पर मालिकान को नोटिस जारी की। नोटिस में मालिकान को ये बताया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर फायर सेफ्टी का इंतजाम करे, वरना खैबर पख्तूनख्वा फायर सेफ्टी ऑर्डर 2019 और सिविल डिफेंस। बहावलपुर में कमिश्नर राजा जहांगीर ने अरवे में शहर भर के मुख्तलिफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और जारी तामीराती मंसूबों का अचानक दौरा किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन चौधरी मोहम्मद शफीक और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी उनके हमराह थे। देखते हैं फजल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। गुजर बहावलपुर रोजा राजा जहांगीर नगर ने शहर भर के मुख्तलिफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और जारी तामीराती मंसूबों का अचानक दौरा किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन चौधरी मोहम्मद शफीक और दीगर मुतल्लिका अफसरान उनके हमराह थे। गुजर बहावलपुर रोजा ने दीवानवाली पुली पर वाकया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मकबूल कॉलोनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मूसा कॉलोनी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, टिब्बा बदर शहर कब्रिस्तान की दीवार की तमीर व मुरम्मत, टिब्बा बदर शहर कब्रिस्तान के नज़दीक वाकया मेन होल्स की मुरम्मत व बहाली। मुतलका अफसरान को हिदायत की कि तमीर व मुरम्मत के हवाले से जारी तमाम तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फाल बनाया जाए। मकबूल कॉलोनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई सुथराई को भी मजीद बेहतर करके प्लांट को फाल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि टिब्बा बदर शहर में कब्रिस्तान की दीवार की तमीर व मुरम्मत और मलेका सड़क की तमीर व मुरम्मत। ठरी मीरवा के गांव मट में शौहर के तशद्दुद से तंग खातून सरापा एहतजाज बन गई। किरण नामी खातून ने कहा कि इसका शौहर तशद्दुद करता है। ससुरालियों की जानिब से संगीन नतज की धमकियां भी दी जा रही हैं। आला हुकाम तहफ़ और इंसाफ फराहम करें। अटक में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मोक एक्सरसाइज का इनका किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील खजरू वकास असलम ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। महकमा तालीम, महकमा हेल्थ, महकमा खुराक, म्यूनसिपल कमेटी और महकमा लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस और दीगर महकमों के अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबजदा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया, जबकि फ्लड के दौरान डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने और बरवक्त एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। आईजी पंजाब राव सरदार अली खां के विजन के मुताबिक डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने प्री एंड पोस्ट ईद उल अज़हा के सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिए हैं, जिसके निगरानी एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद महमूद तबस्सुम करेंगे। पुलिस का स्लोगन कानून के मुहाफिज होने के साथ अवाम दोस्त फोर्स होगा, जिसमें अवाम के साथ खुश स्लूबी और मुस्कराहट से मिलने को तरजीह दी जाएगी। जराइम पेशा समाज दुश्मन और अमन अमान को तहे बाला करने वालों से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करने वालों को तहफ़ दिया जाएगा, गश्त का दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा और नाकों पर मुस्तैद और चाको चौबंद नौजवानों को तैनात किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई ने डेयरी प्रोडक्ट्स को भी लपेट में ले लिया है। तीन माह के दौरान दूध और दही की कीमतों में 35 से 40% इजाफा हुआ है। मजीद तफसीला जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। दही
जी, दूध और दही हर घर की जरूरत होने के साथ साथ खसूसी तौर पर बच्चों की नशोनुमा में उनकी खुराक का लाजमी हिस्सा है, लेकिन गुज़श्ता 2 माह के दौरान होने वाली महंगाई ने दूध और दही की कीमतों को भी पर लगा दिए हैं। दूध 100 रुपए से बढ़कर 140 रुपए लीटर और दही 100 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो तक जा पहुँचा है। अवामी हलकों का कहना है कि हमारे बच्चों की खुराक भी हमारी दस्तरस से बाहर होती है। पेशावर में डेप्यूटी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत ज़िलाई महकमों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें इंतजामी अफसरान और पेशावर के ज़िलाई महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ज़िलाई महकमों की कारकर्दगी के हवाले से तफसील से बातचीत हुई। अफसरान ने अपने महकमों की कारकर्दगी के बारे में डेप्यूटी कमिश्नर पेशावर को ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने इंतजामी अफसरान को हिदायत की कि रोज़ाना की बुनियाद सुबह सादक के औकात में बोली के अमल की निगरानी करते हुए सरकारी नरखनामा जारी किया जाए और बाद में पेशावर भर में सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा सके। दारे अरकम स्कूल गोगेरा कैंपस के ज़ेर एहतमाम रावी पैलेस मार्की में तकरीब तकमील हिफ्स कुरान करीम मुनाकिद की गई। ये तकरीब कुरान पाक हिफ्स करने वाले तलबा व तालबात के एजाज़ में मुनाकिद की गई। पुरवकार तकरीब में मेहमान खसूसी डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल ओकाड़ा मोहम्मद रिजवान, प्रिंसिपल गोगेरा कॉलेज राय नासिर जमान, प्रोफेसर डॉक्टर अतीकुर रहमान थे। हाफजा इशाल शकील, हाफजा अरूज अमीन और हाफिज हमजा यूसुफ ने कुरान मजीद हिफ्स करने की शहादत हासिल की। तकरीब के अख्तिताम पर प्रिंसिपल राय मजहर इकबाल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सलाम सिपाही के अनवान से कराची के मुकामी होटल में शहदा पाक फ़ौज के खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहदा की फैमिलीज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में सियासी, समाजी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात अरशद महमूद मोगल की इस रिपोर्ट में। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। कराची के मुकामी होटल में सलाम सिपाही सलाम पाकिस्तान के उनवान से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोजाए पाक फौज को खिराज अकीदत पेश की गई। कभी कंधों पर किसी को लान रहा, कभी किसी के कंधे पर आ रहा, कभी माँ से गले लग जाऊंगा और कभी माँ को खुद बुलाऊंगा। इल्जाम नया है ना आवाज नई, मगर वक्त बड़ा जवाब साबित कर देता है क्या गलत क्या सही। ये खाकी ही था जिसने इन खाक होने से बचाया, लीबिया यमन जैसे शाम की तरह आग होने से बचाया, कि सुकून से तुम रह सको और एक दिन फखर से कह सको सलाम सिपाही जी चलते जिंदा पाकिस्तान। तकरीब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब बलीउर रहमान, वजीर आला बलोचिस्तान कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मुर्तजा वहाब, वसीम अख्तर, जावेद मी आजाद, रमजान छिपा समेत मुल्क की मशहूर व मारूफ सियासी, कारोबारी, सामाजिक शख्सियात, क्रिकेटर, अदाकार समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में मेहमानों को यादगारी शील भी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए पाबंदी के बावजूद डॉल्फिन फोर्स के अहलकार बावर्दी टिकटॉक बनाने से बाज ना आए। डिस्कोट में डॉल्फिन फोर्स के जवानों ने खतरनाक अंदाज में असलहा लहराते हुए दहशत फैलाना शुरू कर दी। इश्तियाल अंगेज गानों और असलहा के साथ टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। डॉल्फिन अहलकारों की शहरियों से गुंडागर्दी और बदमाशी भी मामूल बन गई है। डॉल्फिन अहलकारों के खिलाफ शहरियों के साथ नारवा सलूक और सियासी डेरों पर क्याम करने की शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। मुल्तान रीजनल पुलिस ऑफिस में प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसकी सदारत रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा ने की। मज़ीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान रीजनल पुलिस ऑफिस में प्रमोशन बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा ने की। मुल्तान इजलास में सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुरम शहजाद हैदर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी शाहिद परवेज, डीपीओ खानेवाल हाफज अता और डीपीओ लोधरा अब्दुल रौफ बाबर भी शरीक हुए। इजलास में हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर
तरक्की याब किया जाएगा। ये तरक्कियां खालसन मेरिट और सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड रखने वालों को दी जाएंगी। तरक्की याब होने से फ्राइज और जिम्मेदारी में भी इजाफा होगा। मुल्तान रीजन के 40 हेड कांस्टेबल्स और 12 सब इंस्पेक्टर को तरक्की दी जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ कोहिनूर न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।